ओम शांति। ये जो स्थान है मधुबन, तो वैसे तो नहीं आ रहा, वो बोले के मधुबन वाले भी बैठे हैं, जा रही है। अच्छा ओके। दिस प्लेस इज कॉल्ड मधुबन। मधु मीन्स स्वीट एंड बन मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ हनी, मधु मीन्स हनी। ये जो जगह है इसका नाम है मधुबन। हनी भी है और फॉरेस्ट भी है। हम याद करते हैं 1955 को, आई केम हियर इन 1955 फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके नाउ दे हैव स्टार्टेड। अच्छा तो अभी नाउ यू आर गेटिंग ट्रांसलेशन? नो? यस? दिस मीन्स यस और नो? यस। ओके। '55 में हम यहाँ आए, हमसे पहले भी आए। इस ब्रह्मा कुमारी यज्ञ की इतिहास के कई स्टेप्स हैं, कदम हैं। एक है जिसमें ओरिजिनल जो बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ सिंध में बाबा के बच्चे आ गए, उसकी जिंदा जागता मिसाल दादा चंद्रहास हैं। देखो हमारे सामने बैठे हैं दादाजी, ये सब आपको देख रहे हैं या आप दिखाएंगे? जरा इधर करके दिखाओ। ही इज वन ऑफ द पांडवाज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दोस्त जो कि बाबा के साथ आए। आज बहुत थोड़े बाबा के बच्चे वो हैं जो बाबा के साथ आए हैं। दादियां जो थी लेस देन 30 अब हैं। उस समय ये कहा जाता था जब हम आए कि ये सिंधियों की संस्था है, क्योंकि बाबा एक ही जगह आएगा, सिंध में आए, वहाँ से भारत में आ गए, माउंट आबू में आ गए। ड्रामा अनुसार जैसे शिव बाबा बोलते गए, बाबा आ गए। फिर जो सेकंड ग्रुप आया वो था भारत का, और उसमें यहाँ कई बैठे हैं, वो क्या नाम है भाई, योगिंदर भाई हैं, ये दिल्ली का है, आप भी जरा खड़े होके दिखाओ इनको। अच्छा योगिंदर भाई, इस तरह से क्योंकि मैं इसको पहचानता हूँ, और जितने भी यहाँ बैठे हैं बाद के आए, तो मैं उस समय अर्ली 1955 में आया तो टोटल संख्या इतनी थी जितनी अभी इस हॉल की है, ये भी कुछ ज़्यादा है। जो हिस्ट्री हॉल है वो भी पूरा नहीं भरता था, इतने बाबा के बच्चे थे। फिर भी बाबा त्रिकालदर्शी, उस समय भी ब्रह्मा बाबा आगे को सब कुछ देखते हुए यही कहते थे कि विश्व परिवर्तन होगा, आप बच्चे उसका निमित्त बनेंगे,
और सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिलना है, मुक्ति मिलना है, जीवन मुक्ति मिलना है, उसमें और आज में कोई फर्क नहीं है। बाबा की जो दृढ़ विजन है उसमें कोई फर्क नहीं है। बाबा हमको सुबह, बाबा और मम्मा दोनों के फोटो इधर हैं, आप देखेंगे बाबा भी है मम्मा भी है, बॉडी में थे। तो सुबह क्लास के बाद, क्लास में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आके मुरली सुनाते थे, जैसे आजकल शिव बाबा गुलजार दादी की बॉडी में आके सुनाते हैं। ये सिर्फ पता लग जाता है, वो पता नहीं लगता था, परमानेंट उसका फिक्स्ड रथ था। मुरली सुनाने के बाद एक साइड का रूम था जिसको चैम्बर कहते हैं, चैम्बर, तो वहाँ बच्चे इनफॉर्मली बाबा के आसपास इकट्ठे हो जाते थे, जैसे ये आगे वाले इधर बैठे हैं चारों तरफ। उस समय बाबा ब्रह्मा बाबा बोलते थे, आज शिव बाबा ने ये सुनाया, आज शिव बाबा ने ये सुनाया। ब्रह्मा बाबा ये भी कहते थे कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा नहीं सुना सकते। कई मुरली में लौकिक बातें होती थीं, पोप रोम का पोप बॉम्बे में आया, बाबा ने कोई पोस्टर देख लिया किसी चीज़ का तो वो आता था, अखबार में कुछ देख लिया, लेकिन जो मूल ज्ञान था वो शिव बाबा सुनाते थे, मिक्स सुनाते थे। फिर भी बाबा कहते थे हमेशा यही समझो कि शिव बाबा सुना रहा है, हम ऐसा ही समझते थे शिव बाबा सुना रहा है, ब्रह्मा बाबा भी साथ सुना रहा है। खास बात यह है कि मुरली आज भी था कि लोगों को समझ नहीं आता मुरली क्या होता है, वो मुरली उसको समझते हैं। मुरली सुनने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, किसी सॉन्ग को, किसी गीत को आप पढ़ें तो आपको गीत का मज़ा आएगा या कविता का मज़ा आएगा। कोई सॉन्ग हो, लिखा हुआ हो, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पोइट्री लग सकती है, सॉन्ग नहीं लग सकता। सॉन्ग गाना और सुनना तभी सॉन्ग लग सकता है। तो ब्रह्मा बाबा भी मुरली सुनते थे देखो, और वो कहते थे कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने कभी मुरली मिस नहीं किया। बच्चों के निमित्त शिव बाबा बोलता है और मैं डायरेक्ट सुन लेता हूँ, लेकिन वो सुनते थे, ऑडियो था। तो हमें भी मुरली कभी पढ़नी पड़ जाए तो आप बोल कर पढ़िए। मैंने कई बार देखा है कई माताएं, कई भाई जो अकेले मुरली पढ़ते हैं तो बोल कर पढ़ते हैं। मैंने एक दिन देखा एक माता बोल कर मुरली पढ़ रही है साउंड से, भाई क्यों पढ़ रही हो, तो कहती ये सुनाई दे रहा है, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। उसके बाद चैम्बर, उसको चैम्बर कहते थे। उसके पश्चात बाबा मम्मा, मम्मा सब लोग फ्लीट बूट पहन लेते थे, वॉकिंग शूज, और सीटी बजाती थी, जो विसल होता ना वो कॉर्क वाला, वो बजाती थी। हम सब इकट्ठे हो जाते थे इस कंपाउंड में और वॉकिंग के लिए जाते थे। अब क्या आप सोचिए कितना मज़ा आता था कि भगवान और बच्चे इकट्ठे वॉकिंग में जा रहे हैं। अब से 52 इयर्स पहले माउंट आबू की आबादी इतनी नहीं थी जैसे अब है ना, मोटर कार, ये वो, बिल्डिंग कुछ नहीं, बहुत थोड़ा लेक था, स्ट्रीट्स थी खाली। कहीं कहीं मॉर्निंग में कुछ नंस, क्रिश्चियन नंस यहाँ कुछ
स्कूल हैं जहां वो पढ़ाती हैं, वो वॉकिंग करती थी। तो बाबा उनको देख के कहता था नन बट वन। ये जो नन बट वन आप मुरली में सुनते हैं कि नन केवल एक परमात्मा, तो उनको देख के कहता था, क्योंकि वो बिल्कुल साइलेंस में चलती थी। और हम क्या करते थे, कुछ सेंटर्स थे थोड़े से, मेरा ख्याल 9 या 10 थे इंडिया के, उससे बच्चे आते थे। और वह बच्चे और जो यहाँ के रहने वाले भाई बहन हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है भोजन आदि बनाने की, चलते थे तो बारी बारी टर्न बाय टर्न बाबा की उंगली पकड़ने में उनको मज़ा आता था। कभी एक ने पकड़ लिया, थोड़ी देर बाद दूसरे ने पकड़ लिया, इतने खुश होते थे कि हम बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और फिर बीच में बाबा रुक जाते थे, उल्टा होकर रिवर्स खड़े होकर पूछते थे, शिव बाबा याद है, ये हमारी ड्रिल होती थी। और बाबा ये तो सुबह की वॉकिंग करा के आ जाते थे, चाय हम कैसे पीते थे, एक टी कैटल होता था टेबल पर ऊंचे पर रखा होता था, हम लोग अपने अपने कप लाते थे और बाबा उसमें चाय डालते थे, लो बच्चे लो बच्चे, वो भी एक सीन था, इतना खुशी होती थी हैं। तो उसका वो चाय तो अमृत से भी ज़्यादा खुशी देने वाली थी। फिर दिन में, अभी तो बहुत बड़ा ये बाबा का कॉटेज भी पक्का है, हट भी पक्का है, कुछ नहीं, नेचुरल हट झोंपड़ी जैसा था। और जो बाबा रूम है जिसमें हम लोग जाते हैं, हाफ था, हाफ में फ्रूट्स रहते थे और हाफ में बाबा रहता था। और फ्रूट्स को बाबा सुबह चेक करते थे, कोई पके हुए रेडी हैं तो उसको आज बंटवाना है। अच्छा, एक कोने में आगे बाबा का छोटा सा किचन था, ये लच्छू दादी इधर बैठी थी है ना, ये है, इसको पता है। और हम लोग वो जो अभी तो जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है वो भंडारा होता था। और हमारे जो बच्चे, बाबा सुबह ही सारा राउंड लगाते थे, हर जगह का राउंड लगाते थे, क्या हो रहा है किचन में, कौन काम कर रहा है। तो एक बार मैं सहारनपुर गया था, उन दिनों सहारनपुर में सेंटर था, तो एक बहुत सारे केले लगाए थे, बनाना ट्रीज। पहले उन्होंने वो एक केले टाइप के फ्लावर होता है वेलवेट का, वो लगाए थे। तो बाबा वहाँ गए, बाबा ने कहा इसका क्या फ़ायदा है, तुम केला लगाओ। तो उन्होंने इतने केले लगा लिए कि उनकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा थे, तो वो हम लोग यहाँ ले आ जाते थे। तो केले की ही मैं कूट कर उबाल कर उसकी टिक्की बनाने की कोशिश कर रहा था बाबा के लिए, कुंडे उसमें उखली में। तो बाबा आ गए, क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, लच्छू से पूछो, वो आपको बताएगी, मतलब डायरेक्शन देते थे बाबा, इस तरह खुश हो जाते थे। फिर कोई लेबरर काम कर रहा हो कहीं, छोटा मोटा रिपेयर हो रहा हो, हर एक के पास बाबा जाएंगे, कोई वेजिटेबल काट रहा हो वहाँ बैठ जाएंगे थोड़ा। तो बच्चे देखते ही इतने खुश हो जाते थे कि उसकी थकावट नहीं होती थी। तो मैं आपको एक थकावट का एक्चुअल इंसिडेंट सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ। हम बहुत दूर पंजाब में जॉब करते थे, उन दिनों ये गाड़ियाँ वगैरह रेलवेज वगैरह इतनी फास्ट नहीं थी, रिजर्वेशन भी बहुत कम होता था। तो आपको उस जगह से यहाँ आने के लिए पहले बस में आना पड़ता था, बस के बाद एक ट्रेन दिल्ली में आना पड़ता था, स्लो ट्रेन थे। फिर जब वो दिल्ली का ट्रेन चले, ओनली 3 ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली, उसमें बैठ के, अभी तो जल्दी आ जाती 13 घंटे में, बिटवीन 18 to 24 आवर्स में ट्रेन आती थी। अच्छा, ऐसी ट्रेन में मैं आया, तो आने के बाद कोई लगभग दोपहर को 1:30 में पहुंचा
और बस में आया वहाँ से। अच्छा, अब 1:30 आकर मैं इधर आ गया माउंट पर, तो लंच टाइम हो चुका था, सब भोजन करके चले गए थे। तो मैं इतना टायर्ड था बॉडीली, इतना ट्रेवल, काला ड्रेस, क्योंकि उन दिनों कोई ट्रेन की खिड़कियां भी इस तरह की नहीं होती थी और मिट्टी चढ़ी हुई, तो मैं बिल्कुल बॉडीली टायर्ड। एक मैं ज़रा इकोनॉमिकल या कंजूस कह लो कि मैं बस स्टैंड से भी किसी प्रैम में अपना सूटकेस रखवा के पैदल ही आता था, चलो आ गए। तो मेरे मन में ये था, मैं अपने अलॉटेड रूम में जाके लेट जाता हूँ और शाम को टी टाइम पर उठूँगा। इतना टायर्ड था, नहाना भी नहीं, ऐसे लेट गया। तो आई बात, मुझे अलॉट किया गया वो रूम जिसको एरोप्लेन कहते हैं, एक पीछे है ना, दो गोल गोल रूम। मैं वहाँ जाके चढ़ा तो एक एरोप्लेन में बेड था, उसको मैंने बिस्तरा भी नहीं बिछाया, वहाँ मैं अपना सूटकेस रख के ड्रेस ऑन शूज ऑन लेट गया कि रेस्ट करना है। सडनली एक मिनट के बाद मुझे वुडन सैंडल्स की, बाबा की खड़ाओं की आवाज़ आई कि बाबा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा है। अच्छा, बाबा तो आते जाते ही रहते थे, सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 11:15 बजे तक तो बाबा का दिनचर्या टायरलेस तरह के थे। बीच में रेस्ट करते थे लेकिन बहुत चारों तरफ कुछ ना कुछ स्थूल हो सूक्ष्म हो करते ही रहते थे। तो बाबा की ये भी था कि कभी अकेले नहीं आते थे, उनके साथ बच्चे भी होते थे, कुछ ना कुछ साथ ही चलते थे। तो मैंने जब आवाज़ सुनी, मैंने कहा तो बाबा आ रहा है तो मुझे देखेगा, हैं, भूत जैसा ड्रेस है मेरा। तो मैंने और कुछ नहीं किया, ये भी देखेगा, जूता भी नहीं खोला, इसने पैंट पहना हुआ है, तो ऑफिशियल ड्रेस। तो मैंने और कुछ नहीं किया, उसके बाहर आके एरोप्लेन के रूम के बाहर से उसको बोल्ट करके बाहर खड़ा हो गया, कम से कम मुझे देखेंगे। तो बाबा आए, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ऐसे जाके वो वाटर टैंक है वहाँ एक, उसको ओपन करवा के, तो एक्चुअली बाबा वाटर टैंक को इंस्पेक्ट करने आए थे, खुलवाया उसको और ज्ञान देना शुरू कर दिया कि बच्चे देखो इसमें रस्ट लग जाता है, ज्ञान के घासलेट, बाबा केरोसिन को घासलेट बोलते थे, घासलेट से इसको साफ करना होता है। मैं भी चला गया तो कहा आओ बच्चे आए हो। उन्होंने कोई ड्रेस व्रेस तो वो देखते नहीं थे, मुझे ही कॉन्शियसनेस थी कि मेरी बॉडी को देखेंगे, मेरी ड्रेस को कुछ नहीं। 2-4 मिनट उसको इंस्पेक्ट करके ज्ञान सुना के बाबा चले गए। अब उसके बाद मेरी थकावट, जो कि 2.5 दिन का रेल ट्रैवल था और मैंने आपको अपना सारा बता दिया दशा, वो थकावट ऐसे दूर हो गई, ऐसे जैसे किसी से बिल्कुल हटा दी जाए और बिल्कुल फ्रेश। मुझे कोई कहे उस वक्त लेट जा तो लेटने की इच्छा ही नहीं, तो मैं 2-2 सीढ़ी जंप करके नीचे गया, किचन में चाय बनाया, रेडी हुआ। तो उस दिन मैंने ये अनुभव किया, बहुत साल की बात है, कि ये जो कहते हैं कि साधु संतों के या होली पर्संस की कंपनी से व्यक्ति की थकावट दूर हो जाती है, उनके अंग शीतल होते हैं, ये मैंने पक्का अनुभव कर लिया कि दिस इज रियलिटी। और हमने ये देखा है कि जो भी हमारी बहनें भाई जिनको खुशकिस्मती से इनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनको लर्निंग जो है नेचुरली हो जाती है। उनके संस्कार जैसे चंदन के संस्कार साथ वाले वृक्षों में आ जाते हैं, ये समीपता भी एक सौभाग्य है। ये मैंने नोट किया, आप दूर रह के एफर्ट करते रहो, आपका भी अनुभव होगा। आप माउंट आबू आते हो, वहाँ आप 1 साल योग लगाते रहो, क्लास भी करो, ज्ञान भी सुनो, सब कुछ करो, सेवा भी करो, लेकिन यहाँ आके जो समीपता है, लाइक ए रोज गार्डन, तो रोज गार्डन में आपको किसी फूल को तोड़ के सूंघना नहीं पड़ता,
या बुके को नहीं, वहां आप सैरी कर लो तो आप फ्रेग्रेंट हो जाते हो, इस तरह का अनुभव। तो कई लोगों को जिनको अनुभव है वो तो है ही कि माउंट आबू आने के या बाबा के गार्डन की फ्लावर्स के साथ रहने के क्या एडवांटेज हैं। बहुत सारे भाई बहनों को इसका अनुभव है, तो इट इज़ समथिंग वर्थ वाइल। और यहाँ आकर भी फिर कई तरह तरह के हैं, कई तो गपशप मारते रहते हैं, कई अपने ही जो जिन मित्रों से वहाँ मिलते हैं उनसे यहाँ मिलते रहते हैं, डाइनिंग भी करेंगे तो उसी के साथ, अपने देश वाले के साथ, कई फिर एडवांटेज लेकर दूसरों से मिक्सअप होते हैं। वे हमारी अनलिमिटेड फैमिली है, तो अनलिमिटेड आउटलुक उसका ये है। अच्छा, तो इस प्रकार की दिनचर्या में फिर भोजन होता था। हम लोग फिर इवनिंग टी को बहुत खुशी से देखते थे, जो आफ्टरनून है उसमें क्या होता था कि बाबा हम लोगों को ले जाते थे, पास पास पहाड़ियां थी, छोटी बड़ी इतनी बिल्डिंगें नहीं थी, तो किसी ना किसी नज़दीक की पहाड़ी पर जिसमें कि छोटा सा रास्ता होता था और पत्थर भी पड़े होते थे, बाबा खुद आगे चलते थे, हमको ले जाते थे, जहाँ ओपन स्पेस देखा, कभी कहाँ कभी कहाँ, वहीं पर चाय की केतली आ जाती थी, वहीं पर बिछाने का आ जाता था थोड़ा, और वहीं टोली वगैरह आ जाती थी, भाई बहन ले आते थे। तो उस समय ये था, अगर आप योग में चल रहे हैं तो कोई भी पत्थर हिले जुले कुछ हो तो आप ठीक ठाक पहुंच जाएंगे, कोई खतरा नहीं है आपको गिरने का। और अगर आप सावधानी संसारिक बरत के चलेंगे तो कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। तो वो भी हमें एक बहुत खुशी होती थी। फिर थोड़ा बहुत बाबा मम्मा कभी एक दो शब्द बोलते थे, हम चाय वगैरह पीते थे, उसके बाद बाबा खेल करते थे, ये जो होता ना क्या कहते हैं इसको, बैडमिंटन रैकेट, तो जहाँ अभी कपड़े आयरनिंग होते हैं बैक साइड में, जहाँ मिल्क की शॉप के नीचे, वहाँ वो बाबा आते थे पीछे से, और एक तरफ सारे ही बच्चे जिसने खेलना हो, और एक तरफ अकेला बाबा, और इतने जोर से बाबा कहते, लो बच्चे लो बच्चे, हम लोग भागते फिरते थे। तो उसमें पता लगता था कि कभी थकना थकना तो है नहीं बाबा ने, तो वो भी हमें बड़ा जॉय मिलता था कि बाबा रैकेट खेलते हैं। और कभी कभी उससे पहले आफ्टर लंच बाबा बच्चों से इंडोर भी खेलते थे अपने कमरे में, जहाँ बाबा गद्दी पर बैठते हैं ना, हम तो कुर्सी वगैरह पे बैठते हैं, वो उसी पर ही बैठते थे गद्दी पर। तो वहाँ दो बातें बड़ी मज़ेदार होती थी, एक तो ये कि अगर बाबा का लौकिक बेटा, वो जो कभी कभी आते हैं नारायण दादा, वो आया हुआ हो और हम लोग आए हुए हों, तो बाबा लौकिक बेटा तो पहले तो सभी सामने ही बैठते हैं, लेकिन बाबा लौकिक बेटे को कभी नहीं कहते थे यहाँ आके बैठो, हम लोगों को कहते थे मेरे पास आके बैठो। तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि बाबा देखो अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को ज़्यादा प्यार करता भी था। अच्छा, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ खेलते थे, तो बाबा ही जीतता था जो हम खेलते थे ना कार्ड्स वगैरह। पहले तो मुझे कार्ड्स खेलने आते नहीं थे, हालांकि मैं अपनी कंपनी में ऑफिसर था, मुझे कार्ड खेलने नहीं आते थे। तो बाबा ने कहा तुमको कार्ड खेलने नहीं आते, तुम क्लब में नहीं जाते। मैंने कहा जी मैं क्लब में जाता तो हूँ, पर ऑडिट करने जाता हूँ, उसका देखने मैं वैसे कभी नहीं गया, मेरी इच्छा नहीं, मेरे घर के पास ही क्लब है। तो सिंपल था, बहनों ने सिखा दिया ऐसे ऐसे होता है, तो खेलते थे। तो बाबा ही जीतते थे, और जब हम तीन बारी बाबा जीत ले तो जो हारने वाले थे उनको थोड़ा कुछ वो करना पड़ता, ऐसे करके हारने का थोड़ा फीलिंग, मैं हार गया हूँ। अच्छा, तो ऐसे हमको बड़ा टेस्ट आता था बाबा के पास खेलने जाना है। तो वन सच टाइम, एक बारी ऐसा हुआ कि बाबा ने बुलाया नहीं, हम तो भोजन के बाद इधर उधर बाबा के कमरे के घूमते थे, बाबा बुलाएगा
बुलाया नहीं, तो मैं खड़ा था उधर, तो लच्छू दादी बाहर आई। हमने कहा दादी बाबा ने बुलाया नहीं। बोली अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। तो पूछ के आई, बोली बाबा कहते ठीक है अपने साथियों को लेकर आ जाओ। हम चले गए, औरों को ले आए। तो बाबा थोड़ा रिक्लाइनिंग अपने गद्दे पर, रिक्लाइनिंग ऐसे झुके हुए जैसे चिट्ठी लिखते हैं ना, शॉल ओढ़ा हुआ था, ऐसे थे। खेला तो बाबा पहली गेम ही हार गया। अच्छा, हम अंदर बड़े खुश कि आज बाबा तीन बारी अगर हार गया तो शायद, अंदर से फुलफुली हो रही थी। बाबा को कहना तो बड़ा मुश्किल है कि बाबा ऐसे करो, परंतु हमें हैरानी भी हुई कि बाबा हार गया, कभी हारता नहीं। तो हमने पूछा लच्छू दादी बाबा हार गया। बोली तुमको पता है बाबा को बुखार है, फीवर है, और बाबा ने आपके खुशी के लिए, आपको कहने के लिए, क्योंकि आपने कहा, बाबा ने कहा आ जाओ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना लव बाबा का बच्चों में है, जो फीवर होते हुए भी ये जाहिर नहीं किया कि मुझे फीवर है आ जाओ खेलो। उसी तरह से ये बाबा का वो था। अच्छा, एक बार सुबह सुबह बाबा कोई चीज़ पी रहे थे, लिक्विड, और बड़ा स्वाद लेकर पी रहे थे, होता ना जैसे ऐसे टेस्ट साउंड करके। तो मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा बाबा कोई बढ़िया चीज़ पी रहा है। तो मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं? बोले तुम लोगे? तो मुझे भी गिलास में डाल के दे दिया, और वो था करेले का पानी। अच्छा अच्छा करेले का पानी था, तो वो तो बड़ा कड़वा होता है। अभी तो मैं पी लेता हूँ, उस वक़्त की एज के मुताबिक वो तो कुनीन जैसा लगता है। अब दे दिया, मैंने पिया, हाँ हाँ बच्चे पियो, अब क्या करें, ना तो उसको फेंक सकते हैं, बाबा का दिया हुआ, क्या करें। अच्छा, तो मैं मुंह बना रहा था, तो पीना तो है ही। अच्छा, इतने में मम्मा आ गई। तो मम्मा ने कहा क्या बात है? मैंने कहा ये है। अच्छा, मम्मा ने कहा अच्छा छोड़ दो, तो मैं बचा। इससे पता लगता है कि माँ की और तरह की होती है प्यार, बाप का और तरह का होता है। तो मम्मा ने मुझे उसको पीने से बचा दिया, ऐसा भी होता है। अब हम आपको बताते हैं अल्प बुद्धि और बेहद बुद्धि का फर्क। तो हम ऑफिस में जॉब करते थे, बाबा को पता था ये ऑफिसर है। तो उन दिनों हमारे विदेशों में सेंटर तो नहीं थे, लेकिन कई कई इंडियन लोग विदेश में रहते थे जो यज्ञ से कनेक्टेड हैं, सिंधी वगैरह। तो कभी इंडिया में उन दिनों रेडीमेड गारमेंट का रिवाज नहीं था, कोई व्यक्ति रेडीमेड लेके पहने ऐसा नहीं था। अब तो कॉमन हो गया है, वहाँ तो हर चीज़ हाथ से ही, दर्जी सिलेगा, ये छोटा कर ये बड़ा कर, सिस्टम है। अच्छा, सराहना भी बनाएंगे तो उस पर लिखेंगे फॉरगेट मी नॉट, हाथ से लिखेंगे, स्वेटर बनाएंगे तो भी लव होता था। तो कुछ रेडीमेड गारमेंट्स विदेश से आ जाते थे, अच्छे क्वालिटी के, कभी कोई सूट आ गया, कभी कोई ड्रेस आ गया, तो बाबा मेरे लिए रख लेता था, औरों के लिए भी रखता होगा कि ऑफिसर है, इसको ऑफिस में काम आएगी। तो जब लास्ट डे हम लोग जाते हैं मधुबन से, तो लास्ट डे हम लोग ऑफिशियल ड्रेस में जाते हैं, तो उस समय बाबा हमको गिफ्ट, बच्चे ये सौगात बाप की तरफ से ले जाओ। और वो कई ड्रेस इतने बढ़िया होते थे, सन एंड शेड वगैरह वगैरह उन दिनों में कॉमन नहीं थे। तो जब मैं अपने ऑफिस में पहनता था तो सारे ऑफिसर मेरे से पूछते थे ये कहाँ से लिया है, तो मैं पास वाला गांव बता देता था वहाँ से लिया है, उनको छेड़ने के लिए। अच्छा, तो वो इस प्रकार से चलता था। तो मुझे कहा जाता था बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन इन दी होल कंपनी, क्योंकि वो ड्रेस ही ऐसे होते थे। अच्छा, बाबा की देन। अब क्या हुआ, मेरे लौकिक फादर ने शरीर छोड़ा, तो लौकिक फादर ने शरीर छोड़ा, पर चांस उनके ड्रेस मुझे पूरे आते थे फिट, तो 30 ड्रेस थे उनके अच्छे अच्छे, तो मैंने सारे रख लिए। मैंने सोचा दुनिया के ब्राह्मण तो दान कर देते हैं, तो ब्राह्मण को, मैं तो खुद ही ब्राह्मण हूँ, पैसे बच जाएंगे यज्ञ के, तो वो ड्रेस ले रख लिए मैंने। अच्छा, पर चांस
उस दिन जिस दिन मेरी विदाई होनी थी, जाना था यहाँ से, तो लास्ट डे को मैंने लौकिक फादर का ही ड्रेस पहना हुआ था, येलो बू शर्ट कुछ ऐसा पेंट मुझे याद है, बड़ा फर्स्ट क्लास पहना हुआ था। तो बाबा के पास गया तो एज यूजुअल बाबा ने कहा, बच्चे ये विदेश से ड्रेस आया है तो तुम्हारे लिए रखा है, अब देखो कि बच्चे की बचपना। तो मैंने अपना शो करने के लिए कि मैंने इकोनॉमी की है, मैंने ये ड्रेस बचाए हैं, बताने का मौका मिल गया मुझे, ये सोचना भूल गया कि बाबा दे रहा है, भगवान दे रहा है। आगे मैं खुशी खुशी लेता था, अब मेरे पास प्लेंटी ड्रेस हो गए तो ये भी भूल गया। तो मैंने कहा, बाबा मेरे पास ना 30 ड्रेस हैं। अच्छा, बाबा मुझे दे रहा है और मैं कह रहा हूँ मेरे पास 30 ड्रेस हैं, पिताजी ने शरीर छोड़ा ना, बिल्कुल फिट है, ये देखो ये मैंने पहना हुआ है, कितना फिट है। तो बाबा मुस्कराया, बाबा बोला, बच्चे अगर लौकिक बाप का पहनोगे तो लौकिक बाप याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और ये फैक्ट था कि जूं ही लौकिक बाप का ड्रेस पहनो, एक संकल्प तो ज़रूर आएगा कि लौकिक बाप का पहना है, और पहने रहोगे चलते फिरते भी याद आएगा लौकिक बाप का पहना है ना। तभी बाबा कहते हैं ह्यूमन बीइंग से सौगात लेन देन नहीं करो, आप किसी से एक सॉक्स ले लो है? वो आप पहन लो तो आपको जब शौक पहनोगे याद आएगा आइसलैंड वाला भाई दे गया था, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं सिस्टम ये है कि यज्ञ में सरेंडर कर दो, वहाँ से ले लो, आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे हम लोगों को बच्चे के तौर पे सड़क पे पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो माता पिता क्या कहते थे, मंदिर में डालो, अपने यूज नहीं करो, बोझ चढ़ेगा। अच्छा, तो बाबा का सुना मैंने, ले लिया ड्रेस, और नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी जल्दी आता था, मैं सारे 30 ड्रेस ला के सरेंडर कर दिए, जिसको मर्जी पहनना हो पहने, मैं तो नहीं पहनूंगा। अब क्या हुआ कि अगर जब मैंने दे दिया तो क्या देखा, यहाँ कौन बू शर्ट पैंट पहनता है, माउंट आबू में सरेंडर भी के तो कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो कुछ दिन बाद मैंने क्या देखा कि धोबी घाट पे एक भाई कपड़े धो रहा है और उसने मेरे फादर वाला बू शर्ट पहना हुआ। अच्छा, तो मैंने देखा, अरे वो देखो पहना है। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अभी मैंने सरेंडर भी कर दिया और किसी ने ले भी लिया, तब भी मुझे लगा कि ये देखो पहना है, मैं पहनता तो क्या होता, सोचने की बात है। तो ये जो सूक्ष्म बात है, बाबा इस तरह से हमको शिक्षा देते थे कि छोटी बात, बिल्कुल छोटी, हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, दे दो ले लो। एक बारी बड़ी दीदी ने हम सबको खड़े करके प्लेज करवाया था, क्योंकि यहाँ सौगात देने का सिस्टम चल जाता है, इसको दे दिया उसको, कि आप लोग कभी भी किसी मनुष्य आत्मा का दिया हुआ नहीं पहनोगे, उसमें कल्याण है, यज्ञ से ही मिलता है। तब हमने पता लगा कि यहाँ तो बड़ा सूक्ष्म सिस्टम है, इवन सीनियर दादियाँ उनको लिस्ट बना के देती हैं, ये लेना है, ये चाहिए, ये चाहिए, वो पास कर देते हैं, लेकिन सिस्टम है ताकि ये लगे कि हम यज्ञ से ले रहे हैं, हालांकि वो यज्ञ के मालिक हैं निमित्त। तो ये बाबा की शिक्षाओं की इस तरह की चीज़ें हैं। तो कहने का भाव ये, अच्छा एक आपको लास्ट मम्मा का भी सुना देते हैं कि मम्मा, लास्ट मेरी मुलाकात मम्मा के साथ यहीं पर हुई थी। अच्छा, मम्मा और बाबा की एक बात और ये है, उनमें सिंपलिसिटी बहुत थी, सिंपलिसिटी जिसको कहते हैं एक्सट्रीम सिंपलिसिटी, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वे खाने में हो, रेगुलरिटी, सिंपल नेचुरल रेगुलरिटी और सिंपलिसिटी। तो मम्मा ने, आपको पता है आप मुरलियों में सुनते हैं कि एक साधारण कन्या, फैशनेबल कन्या, उसने एकदम जिस दिन से ये ज्ञान का रास्ता अपनाया मुड़ के नहीं देखा, और अपने अंदर उन दिनों कोई पब्लिक सर्विस नहीं थी इतनी, मम्मा कई कुछ समय ही बाहर रही है, एक आध बार कानपुर गई है, ऐसे दिल्ली में आई है, हमारे
जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ भी आई थी, पंजाब में आई। लेकिन उसने हर ज्ञान के बोल को प्रैक्टिकली धारण किया और उसको एब्जॉर्ब किया, यहाँ तक कि मम्मा के फिजिकल फीचर ही बदल गए, मदर लाइक हो गए। ये बड़ी चीज़ है कि है उसी उम्र की जिसकी बाकी बहनें हैं, कई बल्कि उससे बड़ी हैं। हमने तो ये भी देखा कि मम्मा की माँ, मम्मा को मम्मा कहती थी, मम्मा की जो लौकिक मदर थी वो मधुबन की ऑफिशियल संदेशी थी, ऑफिशियल अपॉइंटेड संदेशी, वो मम्मा की गोद में जाती थी। बाबा मम्मा को मम्मा कहते थे और मम्मा इतनी रिस्पेक्टफुल थी कि बाबा के आगे मुरली नहीं चलाती थी। जब मम्मा को मुरली चलानी हो तो बाबा बाहर टहलते रहते थे, तब मम्मा कहती थी बाबा के आगे बोलना ही नहीं है। इतना मैनर्स थे, कम से कम बोलती थी, धारणा इतनी रखती थी कि सिर्फ पास से गुजर जाए तो बोलने वालों की कन्वर्सेशन की साउंड कम हो जाती थी। मम्मा लाइक दैट, प्रैक्टिकल और स्वीट थी, चेहरे से डिसिप्लिन बहुत थी, खुद का डिसिप्लिन इतना था, दूसरों में भी। और अगर आप मम्मा का फोटो कभी गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सामने देख रही है लेकिन थोड़ा सा ऊपर देख रही नजर आएगी। जैसे आप यहाँ आँखें खोल कर योग में परम धाम को याद करें तो आपकी आंखें थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाती है ना, तो बिल्कुल कंटिन्यूस मम्मा ने अभ्यास किया था। तो मैं अपनी लास्ट मुलाकात बताना चाहता हूँ। एक तो मोहिनी बहन जो वो मम्मा की ब्राह्मणी थी, जो नीचे मोहिनी बहन रहती, वो मेरे साथ रही है 17 साल, वो मुझे मम्मा के बारे में बताया करती थी। और लास्ट मम्मा को बॉडीली काफ़ी प्रॉब्लम था, फिर भी मम्मा ने उसको बियर किया, टॉलरेट किया। और जब पता लग गया था कि ये प्रॉब्लम टर्मिनल है तो डॉक्टरों ने से पूछा कि मम्मा को बता दें, तो बाबा ने कहा भले बता दो, इसमें पावर है सुनने की, नहीं तो लोग बताते नहीं हैं, अच्छा भाई ठीक है करते हैं। तो लास्ट टाइम ये हुआ, मैं तो अपनी जॉब से छुट्टी पर आता था, तो मॉर्निंग में क्लास के बाद मैं सारा लेक का राउंड लगा के पांडव भवन में एंटर हो रहा था और उस समय मम्मा बाहर निकल रही थी अपनी ब्राह्मणी के साथ वॉक करने के लिए। और मम्मा रिस्पेक्टफुल इतनी थी, जी के बगैर बात नहीं करती थी, लेटर भी लिखेगी तो जी करके। अच्छा, तो मुझे, मैंने कहा मम्मा आप वॉकिंग करने जा रही हैं? कहती आप तो कह रहे हो ना, तो मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ, ऐसा ड्रामा में था। तो उस दिन मैं मम्मा के साथ गेट से दोबारा गया और वो अनादरा पॉइंट तक गया, बात करता करता गया, बात करता करता आया, बहुत सी बातें। वो मेरी लास्ट मीटिंग थी, मुझे पता भी नहीं था मम्मा ने शरीर छोड़ देना है, बहुत सी बातें की। उसमें खास बात ये थी, मैंने कहा मम्मा अभी तो आप मेरे साथ चल रहे हो, मुझे पता आप मम्मा हैं, मैं ब्रिज मोहन हूँ, सतयुग में कैसे पता लगेगा है, मैंने पूछा। तो मम्मा ने कहा वहाँ रूप तो बदल जाएंगे परंतु क्लोजनेस की, समीपता की फीलिंग आएगी, जैसी जैसी आत्माएं जैसे जैसे समीप होंगी। तो वो सीन मुझे याद आता है कि मम्मा ने इतना बताया था हमको इस तरह से, और हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, किसी को फील नहीं होता था मम्मा को कोई प्रॉब्लम है। खैर, यहाँ तक हम बाबा मम्मा का बताते हैं, समय के अनुसार अब थोड़ा दादी जी का भी बताना है ना। तो दादी जी के साथ हमारा पर्सनल संबंध बहुत नेचुरल सा रहा है। उसका कारण ये है कि जो दादी जी की ब्राह्मणी है मोहिनी बहन, वो हमारे पास रहती थी। जब हमने, बाबा ने कहा कि आप जॉब वगैरह से इधर आ जाओ, उसकी लंबी स्टोरी है, तो उसने मेरे से पूछा मैं कहाँ रहूँ, मैं किसी सेंटर में रहूँ, चंडीगढ़ रहूँ, यहाँ रहूँ, वहाँ रहूँ। तो मैंने कहा बहन जी मेरी राय यह है कि आप माउंट आबू में रहो, हैं, अगर आप मेरे से पूछती हो। तो तब से माउंट आबू में आ गई और दादी के साथ रही। तो उस कारण भी, वैसे भी दादी से मेरा, हमारे जिस सेंटर में मैं, मेरा जन्म, मेरा लौकिक घर था, वो एक सेंटर बन गया था।
और वहाँ दादी जी टीचर थी, प्रकाशमणि दादी हमारे सेंटर की टीचर थी, कई साल रही है वो टीचर। अच्छा, यहाँ तक कि जब मैं सीए का इम्तिहान देने जाता था तो दादी से दृष्टि लेके जाता था, क्योंकि हमारी टीचर थी। उस वक़्त लास्ट दिन पढ़ने पुढ़ने का तो सवाल नहीं होता, मुझे बड़ा फेथ था कि दृष्टि लेने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और चीज़ें फजूल हैं। मैं पास भी हो गया तो कुछ समीपता थी, और दादी से मैं राखी कहीं भी हो बंधवाता था। जब लोग राखी में 10 रुपया दिया करते, उस समय 10 रुपये की बहुत वैल्यू थी, तो मैं 100 रुपया दिया करता था, स्पेशल सिस्टर चाहे बॉम्बे में हो कहीं हो। जब वो 100 देते थे तो मैं 1000 देता था, जब वो 1000 देते थे तो मैं 10000 देता था, क्योंकि मैंने डिफरेंट था संबंध। अब क्या हुआ कि मैं कभी प्लेन में नहीं गया था, विदेश नहीं गया था, तो ये जो है मेडिटेशन हॉल, इसमें दादी जी ने विदाई ली कि कहीं अफ्रीका में जाना था 1981 में अक्टूबर में विदाई ली, तो सबने विदाई दी। तो आई दादी, मैंने कहा दादी आप अफ्रीका जा रही हैं? हाँ। मैंने कहा मैं तो कभी हवाई जहाज़ में भी नहीं चढ़ा। अच्छा, तुम हवाई जहाज़ में नहीं चढ़े, चलो तुम अफ्रीका चलना। इस तरह मेरा अफ्रीका जाना हुआ, आप सोच सकते हैं। और मुझे ट्रॉली खींचना भी नहीं आता था, तो दादी ने मुझे सिखाया। आती बारी जब मैं बॉम्बे में ट्रॉली खींच रहा था तो दादी खुश हो रही थी कि सीख गया है। अच्छा, उसके बाद अनेक जगह ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कई जगह मैं दादी के साथ कुदरती मेरा जाना आना होता रहा। अच्छा, कुदरती एक नेचुरल सा स्नेह भी था हमारा। अच्छा, अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ। एक बार शांति स्तंभ जो है उसके इर्द गिर्द भाई बहन बैठे थे, दादी ने मधुबन से विदाई लेनी थी और मैं उस समय ऑफिसर था, तो मैं आया शांति स्तंभ में ड्रेस ऑफिस का पहना हुआ। तो दादी ने मुझे कहा जो टोली देते हैं ना दादी, ये पकड़ लो, ऐसे आप लेके चलो। तो बहुत साल की बात है, मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो आया कि मैं ट्रे पकड़ूं, हैं कोई और पकड़ लेना बहन वगैरह। मैंने कहा ट्रे ऑफिसर था ना, वो ईगो था, तो मेरे अंदर आया कि ये क्या ट्रे पकड़ो टोली लेके जाओ। अभी मेरे मन में ही था, मेरा ख्याल 10-12 सेकंड हुए होंगे, कुछ नहीं हुआ। तो दादी ने सिर्फ मेरी तरफ देखा, उसको भी पता नहीं है क्या इसके मन में चल रहा है। तो मुझे बहुत ज़ोर से बिजली के करंट जैसा ऐसे लगा, मेरी आंखें खुली थी सब लगा, और मैंने चुपचाप पपेट की तरह ट्रे पकड़ लिया और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और मैं पकड़ के दादी के साथ साथ वो दृष्टि देती गई, मैं साथ साथ तोली उठाते गए। बाद में जब पूरा हुआ मुझे बहुत खुशी, बहुत ब्लिस, बहुत लाइटनेस फील हुआ। मैंने कहा मैं ये क्या कर रहा था कि मैं ट्रेन ही पकड़ता, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट फायदे की चीज़ है। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये ईगो जो होता है ना, ऐसे चिपड़ जाता है व्यक्ति को, उससे जाता ही नहीं कि मैं ऑफिसर हूँ बस। हालांकि बाबा ने मुझे जॉब किराया था, निमित्त हूँ, रोज दिमाग में था निमित्त, तो फिर भी ऐसा होता है। तो इनकी जो शक्ति है, दूसरी बात कि दादी जो मुंह से कह दे, इतनी दादी में ऑनेस्टी और प्योरिटी इंटेग्रिटी थी, कह दे आपको लगेगा कि ये क्या कह रही है, तो गलत हो रहा है, यज्ञ का नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा और उसमें फायदा हो जाएगा। ये भी हमने देखा। दिल्ली में एक मकान था, रेंटेड हाउस, अच्छा सेंटर वहाँ चलता था। तो हाउस ओनर ने क्या किया कि कहा मेरा हाउस खाली कर दो, मेरा हाउस खाली कर दो, मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो हमने पता किया तो रिटायर विटायर नहीं हो रहा था, वो झूठ बोल रहा था। तो वो चाहता था किसी ज़्यादा किराए पर दे दें, ऐसा कई जगह होता। तो हमने कहा कि नहीं, आप तो हमें पता आप रिटायर नहीं हो रहे, कि हम सेंटर कहाँ ले जाएंगे, 70-80 बहन भाई आते हैं। तो वहाँ आई दादी, तो पति पत्नी वहाँ आ गए दादी जी से मिलने, और आए, मैं भी वहाँ बैठा था। कहा दादी ऐसे ऐसे कहा हमारा मकान खाली कर दीजिए, दादी ने कहा कर देंगे।
और चले गए। तो वो बाहर गए, मैंने कहा दादी जी आपने क्या कहा मकान खाली कर देंगे, आजकल मकान मिलते ही कहाँ हैं किराए पर, और वो स्टूडेंटों का क्या होगा जो 70-80 स्टूडेंट वहाँ आते कहाँ जाएंगे। कहती है देखो, मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आया आपने कह दिया, वो तो झूठ बोल रहा है। कहती देखो वो सुप्रीम कोर्ट में आया है, हमारे पास आया है, वही व्यक्ति अगर हंगामा करे, झगड़ा करे, शोर करे, वहाँ लड़ाई करे, तो ये तो शांति से आया। मैंने कहा फिर हमें जगह कैसे मिलेगी? मिल जाएगी। अच्छा, तो आप हैरान होंगे कि वो जगह हमने खाली की, 2 महीने के लिए किसी और जगह सेंटर रहा, उसके बाद दिल्ली में फर्स्ट लैंड गवर्नमेंट की तरफ से उसी सेंटर को मिला। दादी का कहना था नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट है वहाँ दिल्ली में लैंड मिलना। तो ये हमने देखा कि इनकी हायर लेवल की जो कॉन्शियसनेस है और जो सत्यता है वो काम करती है। अब अभी ये ORC बना है, इसकी जो सड़क है गवर्नमेंट की बिल्कुल टूटी फूटी थी 4 साल पहले। तो दादी जी आए मुझे बोले भाई ये सड़क तो बनवा दो, बजा गवर्नमेंट की सड़क थी। मैं सोचा अच्छा MLA को कहूँगा, कुछ कहूँगा, बनाएंगे सड़क। तो हफ्ते बाद मैंने क्या देखा, वो सड़क बन रही है। मैंने कहा ये कैसे बन गई? तो बोला कि MLA ने कहा है कि मैं इसको बनवा रहा हूँ, हमने उसको अप्रोच भी नहीं किया। तो देखो दादी ये है पावर। इसलिए हमने देखा यहाँ एक स्पेशल आत्मा थी दादी, ये तो आप जानते ही हैं, ये जो जिस भवन में हम बैठे हैं ओम शांति भवन, पत्थर का टुकड़ा था, रॉक था, ले लिया गया, इसके बीच में बिजली के तार थे। अच्छा, जब ये बन रहा था, एक एक भाई बहन कोई भी बाहर से आ जाए, दादी खुद उसको ले जाके, ऐसे नहीं जा इसको दिखा लो ओम शांति, ना, एक एक को खुद लाके देखो ये है, जैसे उनकी प्रॉपर्टी है बच्चों की, और दादी उसको निमित्त बन के बनवा रही। मैं खुद देखता था, वो इतना खुश होते थे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, हर बात को बिल्कुल एक पूरा एक्सप्लेन करके एज ए ट्रस्टी बताती थी। तो एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया हिल स्टेशन है, यहाँ कोई भी हिल तोड़ा नहीं जाएगा, नहीं तो सारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आधी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, बाकी बंद हो गई। अच्छा, मुझे ये भगवान का वरदान है, कोई प्रॉब्लम कहीं भी आ जाए तो मेरे पास आ जाती है पर चांस। तो मैं कहीं नेपाल में गया था, वहाँ कुछ गलत पानी पी लिया, कुछ कंटेमिनेटेड, तो मैं बॉडी ख़राब हो गई थी। तो किसी ने कहा डॉक्टरों को दिखाओ, ये करो। मैंने सोचा मैं माउंट आबू जाता हूँ, वहाँ ही जो होगा ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ आके रेस्ट कर रहा था, वो आ गई, बंद कर दिया। तो हम एक और दादा को लेकर चले गए जहाँ गवर्नमेंट है इसकी। तो वहाँ खैर गवर्नमेंट के ऑफिसरों से बातचीत किया, तो वो बोले आपकी इंस्टीट्यूशन पुअर लोगों के लिए क्या कर रही है, कलेक्टर है यहाँ सरोही में, पुअर पीपल के, वो समझते हैं बहुत रिच इंस्टीट्यूशन है, बहुत पैसा है, पुअर के लिए कुछ करे। तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, एक लोकल बहन थी। मैंने कहा यहाँ कितने सेंटर हैं आसपास, इसको बताओ। तो फिर मैंने कहा जी कि पुअर के लिए क्या करना चाहिए। मैंने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला, मैंने कहा ये कितने का होगा? 5 रुपए का तो होगा। कहता हाँ। मैंने कहा इंडिया में कितने पुअर हैं, उनको अगर आप 1 टाइम रुमाल दें सिर्फ, तो कितना पैसा लगता है? सिर्फ 1 टाइम रुमाल, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, 1 टाइम। मैंने कहा आपका ख्याल ब्रह्मा कुमारी के पास इतने करोड़ रुपया है, हैं? 40 करोड़ पुअर हैं, 5 रुपए का रुमाल, 200 करोड़ रुपया उस वक्त की बात है। तो आप ब्रह्मा कुमारी को क्या समझते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़े इसके खर्चे भी हैं। फिर मैंने हंसी में कहा आपका नाम कलेक्टर है ना, आपका नाम डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, हैं? मैंने कहा कलेक्टर तो इकट्ठे ही करता रहता है। कलेक्टर, अरे कलेक्टर क्या होता है, यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटर। हंसने लग गया। खैर उसने फिर हमें परमिशन दे दिया कि आपकी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, आप इसको करा लो। तो दादी जी ने भेजा था, पीछे पावर था,
डरते हम किसी से है नहीं, वो हो गया सेंक्शन बन गया ये। तो इसी तरह से लोग पूछते थे इसका आर्किटेक्ट कौन है, दादी प्रकाश मणि। अच्छा फिर दूसरी जगह जाओ, ज्ञान सरोवर का मेन आर्किटेक्ट कौन है, दादी प्रकाश मणि। अच्छा फिर दादी को ख्याल आया बहुत बढ़ जाएगी संख्या, तो टेंट लगवा कर शांति वन में ट्रायल किया कि टेंट लगवा कर, और कुछ स्टॉर्म आ गया, टेंट उड़ भी गया, लेकिन दादी ने देखा कि ये जगह ठीक है। अब जब शांति वन का वो पक्का हॉल बन गया, तो पहली बार दादी बैठ के क्या कहती थी, बाबा ने ये शाही हॉल दिया है, डैम बड़ा हॉल दिया है। तो ये एक कुदरती सिंपल आत्मा है, मैंने उसको न्यूयॉर्क में भी भाषण करते देखा है, कैथीड्रल ऑफ सेंट डिवाइन में देखा है, यूएन में देखा है, अफ्रीका में देखा है। एक सिंपल आत्मा, बाबा का कॉन्फिडेंस है, प्योरिटी है। दुनिया के कितने लोग होंगे बड़े बड़े तथाकथित, लेकिन वो भी अट्रैक्ट होते हैं कि दादी आई है। ये एक जो चीज़ थी, राष्ट्रपति कहता था आपकी आ रही है दादी, उसके लिए स्पेशल कोई कुर्सी बनवानी पड़ेगी, जैसे महात्माओं के लिए बनवाते हैं, क्या करें, कुछ चद्दर बिछानी पड़े। हमने कहा वो तो आपकी तरह ही हैं, वो नहीं ऐसे एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करती। कहते अच्छा ये है, तो फिर भी जब वो जाएंगे रिस्पेक्ट उनको ऐसे मिलेगी जैसे पीछे पीछे आती है। तब हमने देखा है सिंप्लिसिटी, ईश्वरी का निश्चय, परमात्मा से शक्ति। अभी भी हमने 1.25 साल इन दिनों में भी दादी के साथ हॉस्पिटल में भी देखा, यहाँ भी देखा। दादी कहती थी बस बाबा से, कई क्वेश्चन भी हम पूछते थे कैसे अब इस, कहती बाबा से शक्ति लेती हूँ और बाबा शक्ति देता और ये काम होता है। हम कभी कमरे में चले जाएं दादी के निकलने लगे तो कहेगी बाबा कैसे मिल के आओ, ये उनका फेत था, ये बात है। ठीक है, तो इस तरह से होते होते अब तो कह ही दिया है बाबा ने कि हमारा लक्ष्य क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति है ना। और मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई डिफिकल्ट चीज़ तो है नहीं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि हम खाम खाम में उड़ने वाला पंछी पिंजरे में आ जाए और कहे मैं यहाँ, मैं तो उड़ रहा हूँ, जबरदस्ती हम फंसे हुए हैं बीके होकर, और कोई मुक्ति जीवन मुक्ति ना हो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अभी क्यों है। खाम खाम अपने ऊपर ये लगाते हैं। तो सिंपल बात हमने देखी है कि एक जगह हमें अभी रिसेंटली जाना पड़ा, वरी। वरी सबसे ज़्यादा लोग आजकल, वरी मैंने फिकर। तो बाबा कहता था आप फिकर से फारग हो, बेगमपुर के बादशाह हो। अब मुसलमान लोग तो अपनी बीवी का नाम ही बेगम रखते हैं, है ना, बेगम, इसको कोई गम नहीं है। अच्छा तो हमने देखा फिकर, और बीके को फिकर हो जाए, पॉसिबल नहीं। तो क्या परमात्मा को फिकर होता? अभी भी देखो दादी ने ऊपर सूक्ष्म वतन से दादी आई, मधुबन का चक्कर लगाया, कई ऐसी चीज़ें देखी जो आश्चर्यजनक थी, दादी सोचती भी नहीं थी कि ये यहाँ होता होगा। तो बाबा ने कहा देख, साकार बाबा भी जब अव्यक्त हुए थे तो भी ऐसा ही हुआ था, वो कहते थे मैं तो बाहर जामी हूँ। तो दादी कहती बाबा आप ये सब देखते रहते हो, वो भी हैरान हुई। लेकिन बाबा ने दिखाया, तो बाबा को ये देखते हुए सब फिक्र होता है कभी? नहीं, तरस आता है, कहीं पर तरस आता होगा, फिक्र तो नहीं होता। अच्छा, भगवान को फिक्र हो ही नहीं सकता, हालांकि दुनिया बैड टू वर्स जानी है, हैं? बाबा देख रहा है मेरा अनन्य बच्चा बीमार है, इसको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, फिर भी बाबा को फिक्र तो नहीं है। पशुओं को फिक्र होता कभी? पशु को दुख होता है, लेकिन किसी पशु को फिक्र होता? घोड़े को फिक्र हो कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, पता नहीं मर ना जाऊँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, है? नो, एनिमल्स हैव नो वरी, गॉड हैज नो वरी। अच्छा, ह्यूमन चाइल्ड को फिक्र होता? हमारा बच्चा छोटी उम्र का, उसको अब सांप पकड़ा दो तो भी पकड़ लेगा,
रस्सी पकड़ा दो तो भी पकड़ लेगा, इनोसेंट है। अच्छा, उसको कहा कल ये तूफान आने वाला है, कल यहाँ से भाग जाओगे, बड़े को हो जाएगा उसको नहीं होगा, हंसता रहेगा। अच्छा, ये ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग को फिक्र हो जाता है, फिक्र का कोई फायदा है? फिक्र का कोई फायदा है? फिक्र ओनली बनी बनाए काम को बिगाड़ सकता है, कभी भी बिगड़े हुए काम को बना नहीं सकता, हाथ पैर फूल जाएंगे, हैं? इसलिए फिक्र की वजह है व्यर्थ संकल्प, कि अगर हम अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या हुआ था, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, या तो पश्चाताप करेंगे, मुरली में भी आया कि पश्चाताप वेस्ट ऑफ टाइम है, एक तो गलती कर लो, एक उसके ऊपर डबल गलती करो, और एक ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, अरे भाई जब होगा तो देख लेंगे, तो बुद्धि जो है थक जाती डिस्टर्ब होकर। तो हमें बाबा ये जो कहता है कि फिकर की बैकग्राउंड में होता है फियर, फियर ऑफ लॉस, कि मेरा ये कहीं चला ना जाए, छिन गया या छिनने का भय, कुछ भी है, पैसा ना छिन जाए, मेरा पद ना छिन जाए, मेरा ये ना छिन जाए, ऐसे ना हो जाए, मेरा भाषण खराब ना हो जाए, दूसरे का अच्छा ना हो जाए, आदि आदि जो भी छोटा मोटा। तो अगर हम फियर होता है मॉर्टल को, कि सबसे बड़ा फियर डेथ का होता है कि हाय मैं मर ना जाऊं, ज्ञानी लोग भी फियर होता है डेथ का, फिर कहेंगे जिंदा रहूंगा तो ज़्यादा योग लगाऊंगा, चाहे लाइफ में ना लगाते हों लिखेंगे और जिंदा रहूं योग लगाऊंगा एक्स्ट्रा टाइम में। इसलिए बाबा ने हमें दो शब्द दिए हुए, मॉर्टल इमॉर्टल, सोल बॉडी। तो हमें ये जो इमॉर्टल का वरदान दिया हुआ है कि आप इमॉर्टल सोल हो, तो आप सोल के अंदर तो सब कुछ भर सकते हो, जो आगे भी जाएगा और भी आगे जाएगा। बाबा ने ये भी बता दिया कि आपकी सोल में इतना कुछ भरा जा सकता है, अनलिमिटेड भर सकते हो, उसमें भी हम व्यर्थ भरते जाएं, गैप डालते जाएं तो गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने तो ये देखा, अगर हम एक शब्द याद रखें, मैं इमॉर्टल हूँ, तो बेसिक फियर डेथ का घटेगा तो बाकी फियर भी घटेंगे, मुझे अपने कर्म से मिलना है, तो फियर काहे का, कर्म से हिसाब चुकतू होगा या कुछ प्राप्ति हो जाएगी, तो इसको ड्रामा कहते हैं। तो इसलिए ये जो बाबा ने कहा तीन बिंदी लगा लो और बिंदी में कायम रहो, तो आप देखेंगे इसका हम अभ्यास करेंगे तो हमें फियर और वरी खत्म हो जाएगी, तो उसके जगह क्या आ जाएगा फिर, खुशी शांति। ओम शांति, ओम शांति। बहुत खुशी हुई मेरे को, तो कहा मैं तो आया था यहाँ पांडव भवन के भाई बहनों का आज क्लास था, क्योंकि वो मुझे कहते थे भाई आप आते ही नहीं, पांडव भवन आपका है, मेरे को तो यहाँ आके बड़ी खुशी होती, यहीं के हम पैदा हुए हुए हैं, सारी तपस्या भूमि है ये बाबा की, और यहाँ आने से बाबा के एक एक दृश्य याद आता है। अभी मैं कमरे में गया, कैसे रात को बाबा को हम बेड में गुड नाइट करने जाते थे, है ना, बाबा बाहर निकल के मुझे ऊपर रहता था, मैं बच्चे बत्ती जगा दो शाम को और सुबह बत्ती बंद कर दो, हैं अगर लाइट अंधेरा हो जाए, ऐसा होता था, सब याद आता है। आप लोगों से भी एक्स्ट्रा मुलाकात हो गई, आप तो बाबा के लवली बच्चे हो, बाबा कहता है आप ना हो तो प्रूव ही नहीं हो सकता, बाबा सर्वात्माओं का पिता है और बेहद का बाप है। तो हमें भी शेर मिल गया, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि अचानक और एवर रेडी रहो, आज हम आपसे मिल रहे हैं, अब आगे का तो ड्रामा दिखाएगा, तो आज तो हम लक्की हैं ना, उस लक का खुशी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे मिलकर, नहीं तो एक एक देश में जाओ, पासपोर्ट कटाओ, अपना सामान चेक कराओ, आजकल तो पानी भी नहीं ले जाने देते हैं, वीसा बनाओ, इससे अच्छा है कि बाबा के घर में सब बच्चे बाबा के मिल जाते हैं, एक दूसरे से भी मिल जाते हैं। इंडिया में कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है ना, एक दूसरे को देखकर भी हमें खुशी होती है, अरे ये भी हैं, ये भी हैं, इतने बच्चे हैं। पहले तो लोग
थोड़े से थे, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या बोलते हैं, अब तो हमें पता है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी ही रोशनी है, बाकी अंधकार में इन्हीं ने लाइट दिखाना है। ओम शांति।